दोस्तों, वर्ल्ड सिनेमा में साउथ कोरिया ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। ऐसे में साउथ कोरियन ड्रामास लोगों में बहुत फेमस हैं और लोग भी साउथ कोरियन ड्रामास को बड़े मन से देखते हैं। ये कोरियन ड्रामा स्टोरी, कास्ट, म्यूजिक हर मामले में बेहतरीन है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे ही 10 बेहतरीन कोरियन ड्रामास के बारे में जो आपको देखने चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है 49 डेज। कहानी है एक लड़की की जिसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और फिर उसे एक एंजल मिलता है जो उसे बताता है कि अभी उसका समय नहीं आया और उसके पास एक चांस है जीने का, जिसके लिए उसे 49 डेज का वक्त दिया जाता है जिसमें उसे 3 लोगों के आंसू लाने होते हैं जो प्योर लव के हों, और ये तीनों लोग उसके ब्लड रिलेटिव नहीं होने चाहिए। ये एक सैड कोरियन ड्रामा है जिसे देखते हुए आंसू निकलना बिल्कुल स्वाभाविक है। नंबर 9 पे है द वर्ल्ड ऑफ द मैरिड। ये एक मैरिड कपल की कहानी है जो एक दूसरे को चीट करते हैं, इससे वो रिवेंज की राह पर निकल पड़ते हैं। ये उनके रिवेंज, पछतावे, माफी और भावनात्मक घावों के भरने की कहानी है। ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। नंबर 8 पे है बॉयज और फ्लावर। कोरियन ड्रामा को वर्ल्ड में पॉपुलर करने में इस सीरियल का बड़ा रोल रहा है। ये कोरियन ड्रामा पूरे वर्ल्ड में पसंद किया गया था। कहानी है गमजान दी नाम की एक टीनेज गर्ल की, जिसे एक इलीट हाई स्कूल में एडमिशन मिलता है जहाँ उसका सामना होता है F4 नाम के एक ग्रुप से जो उस स्कूल को डोमिनेट करते हैं, और उनमें से एक से उसे प्यार हो जाता है। लेकिन कहानी में कई और ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। प्यार और दोस्ती पे बेस्ड ये शो आपको बहुत ही पसंद आएगा। नंबर 7 पे है हैप्पी टुगेदर। ये कोरियन ड्रामा 1999 में आया था और इस सीरियल में उन कई एक्ट्रेस ने काम किया है जो बाद में चल के साउथ कोरिया के बड़े स्टार्स बने। ये ड्रामा उस वक्त काफ़ी हिट हुआ था। कहानी है 5 भाई बहनों की जो अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद अलग हो चुके हैं। अब वो बड़े हो चुके हैं और अपने अपने रास्ते जा चुके हैं। ऐसे में ताइपुंग जो जो सबसे बड़े भाई हैं और बेसबॉल प्लेयर हैं, वो अपने परिवार को एक करना चाहते हैं और वो इस कोशिश में लग जाते हैं। कैसे ये भाई बहन एक होते हैं, इस परिवार, प्यार और रिलेशनशिप पे बनी ये सीरीज जो आपको देखनी चाहिए अगर आप कोरियन ड्रामा के फैंस हैं तो। 6 नंबर पे है 100 डेज माई प्रिंस। कहानी है एक प्रिंस की जिसकी याददाश्त चली जाती है और वो भूल चुका है कि वो एक राज परिवार से आता है। ऐसे में एक साधारण लड़की उसकी दोस्त बनती है और आगे जाके वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद प्रिंस की पत्नी अक्सर अपने पति पे ताना मारती है कि उसे घर का कोई काम नहीं आता, लेकिन उसे प्यार भी करती है। उनकी इस खुशी और रोमांस में बाधा तब आ जाती है जब प्रिंस की याददाश्त वापस आ जाती है और उसे एक राजकुमार का अपना कर्तव्य पूरा करना होता है। 5 नंबर पे है मिस्टर सनशाइन। 2018 में आया ये कोरियन ड्रामा नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। कहानी है एक गरीब कोरियन लड़के की जो 1871 में हुए एक इंसिडेंट के बाद US से चला गया रहता है। वो वापस कोरिया आता है। अब वो एक अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर रहता है और उसे एक लड़की से प्यार होता है। ये एक हिस्टोरिकल टाइम रहता है जब उसे पता चलता है एक डार्क स्कीम के बारे में जो चल रही है कंट्री को कॉलोनाइज करने के लिए, और इससे उसी तरह के बुरे हालात बनेंगे जिन हालातों से वो बचकर देश छोड़ के चला गया था। ये ड्रामा इंटरनेशनली बहुत फेमस हुआ था। नंबर 4 पे है क्रैश लैंडिंग ऑन यू। 2020 में रिलीज हुआ ये कोरियन ड्रामा नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। कहानी है एक साउथ कोरियन लेडी की जो एक फैशन एंटरप्रेन्योर है और पैराग्लाइडिंग करते हुए कुछ गड़बड़ी के कारण वो गलती से नॉर्थ कोरिया में लैंड हो जाती है। ऐसे में वो एक नॉर्थ कोरियन ऑफिसर से मिलती है जो उसे छुपाता है और उसकी मदद करता है। नंबर 3 पे है इट्स ओके टू नॉट बी ओके। ये एक अनयूजुअल रोमांस स्टोरी है जिसमें 2 लोग हैं, एक साइकेट्रिक बोर्ड का एक हेल्थ वर्कर है और एक महिला जो बच्चों की बुक की राइटर है। ये दोनों मिलते हैं और एक दूसरे से इमोशनली अटैच्ड होते हैं और दोनों के भावनात्मक घावों को भरते हैं। कहानी आगे बढ़ती है तो इन दोनों का पास्ट जो इनका पीछा कर रहा होता है वो भी सामने आता है। ये ड्रामा नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है।
नंबर टू पे है दे जांग जोम, जिसे ज्वेल इन द पैलेस भी कहते हैं। ये एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। ये सीरियल 2003 में आया था। ये उन पहले कोरियन सीरियल में से था जिसने विदेशों में ख्याति पाई थी और कोरियन कल्चर्स के बारे में पूरे विश्व को बताया था इस स्टोरी के द्वारा। कहानी है एक अनाथ किचन कुक की, जो राजा की पहली महिला डॉक्टर बनती है। कहानी उस समय की है जब महिलाओं को सोसाइटी में उच्च अधिकार प्राप्त नहीं थे। ऐसे में दाय जोंग जूम कोरियन मेडिसिन की सीक्रेट सीखती हैं और राजा का उपचार भी करती हैं, और फिर बाद में वो पहली फीमेल रॉयल फिजिशियन बनती हैं। इस ड्रामा की IMDb रेटिंग है 8.5। नंबर वन पे है विंटर सोनेटा। ये एक साउथ कोरियन ड्रामा है जो 2002 में रिलीज हुआ था और उस वक्त लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया था। कहानी है एक टैलेंटेड म्यूजिशियन के बेटे की, जो एक रूरल सिटी में शिफ्ट हुआ होता है और काफ़ी शांत रहता है। उसे लगता है कि उसे कोई प्यार नहीं करता। ऐसे में उसकी दोस्ती उसके स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की से होती है और ये दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल जाती है। लेकिन फिर एक एक्सीडेंट होता है और लड़के की पहले की मेमोरी चली जाती है और उसकी माँ उसे USA लेके चली जाती हैं। वो 10 साल बाद वापस आता है और अपने पास्ट को तलाशता है। अब वो और उसका पुराना प्यार दोनों वापस कैसे मिलते हैं, इसी पे बेस्ड ये स्टोरी है। तो ये थी टॉप 10 कोरियन ड्रामा की लिस्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।